मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शील डायघर पुलिस ने गाय का बछड़ा लेकर गाड़ी में भागने वालों को पीछा किया था, मगर ये लोग बछड़ों को छोड़कर भाग गए। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि क्या ये लोग गौ तस्करी करने वाले लोग थे या फिर चोर थे जो गाय के बछड़ों को लेकर भाग रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक दो बछड़े थे, जिनमें से एक बछड़े की मौत हो गई जबकि एक बछड़े का इलाज जारी है। दरअसल कल्याण फाटा से आगे पलावा रोड पर गाड़ी से इन बछड़ों को लेकर भाग रहे थे, तभी डायघर पुलिस ने इनका पीछा किया, मगर इन लोगों ने गाय के बछड़ों को छोड़कर यहां से भागने में कामयाब रहे। हालांकि डायघर पुलिस ने जानवरों के डॉक्टर तनवीर को बुलाया बछड़ों के इलाज के लिए। तनवीर ने बताया कि दोनों बछड़ों को इन लोगों ने बेहोशी के इंजेक्शन दिए थे और इनमें से एक बछड़े को इंजेक्शन का ओवरडोज दे दिया था, इस वजह से उस बछड़े की मौत हो गई है और एक जो दूसरा बछड़ा था उसकी भी हालत ठीक नहीं है, उसे गौशाला में भेज दिया गया है। हालांकि डायघर पुलिस ने कैमरे पर अभी कुछ भी बताने से मना कर दिया है, क्योंकि जो बछड़े लेकर भाग रहे थे वो पकड़ में नहीं आए हैं। पुलिस सीसीटीवी की मदद से गाड़ी नंबर और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। डॉक्टर तनवीर, आपको ये जानकारी जो मिली कि एक गाय के बछड़ा है या गाय की बच्ची है उसकी डेथ यहाँ पर हुई है, तो ये कैसे हुई है और एक गाय का बच्चा जो है वो पलावा साइड से जो है रेस्क्यू किया गया है, दरअसल ये मामला है क्या और कैसे आपको जानकारी लगी थी? मेरे को डायगर पुलिस स्टेशन के एपीआई ने कॉल करके बताया और हमारे जिला परिषद एपीआई सत्यवान करके सतपाल नाम है उनका, और हमारे जेडपी के डॉक्टर काशित करके उन्होंने मेरे को बताया, जिनका दवाखाना कोपर घेरना में जिला परिषद का है, और हमारी ठाणे महानगर पालिका शिरोडकर मैडम ने इन्फॉर्म किया कि वहाँ पे जाके देखो क्या हुआ है। जब मैं वहाँ पे मेरे एनजीओ के लोगों के साथ में गया तो वहाँ पे देखा तो एक गाय का बच्चा बेहोश पड़ा था, जिसको हमने इंजेक्शन वगैरह दे के उसको होश में लेकर आए। अभी वो बच्चा अच्छा है जो गौशाला के लिए गया है, और इधर पीछे जो एक बच्चा पड़ा है वो मर गया, उसको बेहोशी का डोज लगता ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेडिकल के अंदर एक इंजेक्शन मिलता है जैलोक्सिन जानवरों को बेहोश करने का, जो जल्दी से मिल जाता है तुरंत, तो ओवरडोज होने की वजह से बच्चों की जान गई, और एक बच्चा तो अभी ठीक है जो गौशाला चला गया है। ये कैसे, क्या पूरा मामला क्या होता है उसके बारे में भी कुछ जानकारी है? उसके बारे में जानकारी तो अभी ऐसा है कि मालूमात तो अभी पुलिस वाले जो है आप लोगों को देंगे, हमारा काम था स्पॉट पर जाके ट्रीटमेंट वगैरह करना और बच्चे की जान बचाना।